नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज सॉलिड शेप्स। वैसे तो सॉलिड शेप बहुत सारी होती है, बट अभी आपके सिलेबस में ये तीन शेप्स दी हुई है, दैट इज क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। क्यूब आपको सबको पता है, क्यूब से आप लोग खेलते भी हो, ठीक है, वही क्यूब है। इस क्यूब की क्या खासियत होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों चीजें इक्वल होंगी, तो सारी साइड इक्वल है, इसलिए हम जहां पर भी फॉर्मूले में लिखेंगे वहां साइड लिखेंगे, वहां लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ नहीं लिखेंगे, वहां केवल साइड लिखेंगे, ठीक है। तो क्यूब में हमने सब जगह लिखा साइड, 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 लेकिन जब क्यूबॉइड और सिलेंडर की बात आएगी, क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीनों में से कोई दो चीज सेम हो, लेकिन तीनों कभी भी सेम नहीं होंगे। अगर तीनों चीज सेम हुई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो वो क्यूबॉइड नहीं होगा, वो फिर क्यूब बन जाएगा, कि उसकी तीनों साइड्स इक्वल होगी। सिलेंडर में हमारा लेंथ और ब्रेथ नहीं होती है, केवल हाइट होती है। सिलेंडर का शेप हमारा ये होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर, अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये एक सिलेंडर है हमारा, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट है, आपको दिया है यहां पर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, ठीक है। कर्व का मतलब होता है ऐसा, कर्व जो होता है, ठीक। सपोज करो, वैसे तो ये क्यूबॉइड के फॉर्म का है, ये बुक है क्यूबॉइड के फॉर्म की, ये कॉपी, लेकिन अगर ये क्यूब के फॉर्म की होगी तो इसके छह सरफेस होंगे, एक सरफेस ये, एक इसके पीछे वाला, एक सरफेस ये वाला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड के छह सरफेस हैं। सिमिलरली जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में भी छह सरफेस होते हैं, ठीक है। स्क्वायर में, सॉरी, क्यूबॉइड, क्यूब में छह सरफेस होंगे, छह के छह सरफेस का एरिया बराबर होगा, ठीक। एक सरफेस ये बनाया, क्यूब है, क्यूब का मैंने केवल एक सरफेस बनाया, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो दैट मीन्स इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर। ऐसे कितने सरफेस है क्यूब में, छह सरफेस है, ठीक। तो इसका टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया हो गया सिक्स साइड स्क्वायर। अगर हम केवल कर्व की बात करें या लेटरल की बात करते हैं, तो उसमें केवल ये वाला पोर्शन आता है, दिस वन, ऊपर और नीचे वाला ऐड नहीं करते। कर्व सरफेस का मतलब होता है जो कर्व्ड है, जो गोल गोल में आ रहा है, ठीक है। दैट मींस ये वाला पोर्शन जो है, दिस वन, केवल कर्व सरफेस में ये आएगा, ऊपर और नीचे का ऐड नहीं होगा, ठीक। और अगर हम टी एस ए लेते हैं, तो उसमें ऊपर और नीचे का भी ऐड कर देते हैं, ये वाला तो रखते ही है, ये आगे का, पीछे का, इधर साइड का, इधर साइड का, ये चारों तो लेंगे ही, साथ में नीचे और ऊपर का और ऐड हो जाएगा, किसमें, टी एस ए में। क्यूबॉइड में मैंने, क्यूब में आपको बताया छह सरफेस होते हैं, जब हम ऊपर और नीचे का नहीं ले रहे तो दो कम होगा, तो चार बचे केवल, तो दैट इज फोर साइड स्क्वायर, जबकि टीएसए में सिक्स साइड स्क्वायर होगा। और वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां तीनों इक्वल है, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड हो जाएगा, दैट मीन साइड क्यूब हो जाएगा। दूसरा वाला आया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आप एक बात हमेशा दिमाग में रखो, बेस का एरिया जो है वो हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है, ठीक है। बेस का एरिया हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है, ठीक। अगर आपको मैंने ये क्यूबॉइड दिया, ठीक, ये लेंथ है सपोज, और ये ब्रेथ है, और दिस वन इज द हाइट, ठीक, तो क्या होगा, इसके छह सरफेस होंगे, एक का एरिया आएगा एल इंटू बी, दूसरे आए का आएगा बी इंटू एच, और तीसरे का आएगा एच इंटू एल। सारे ही सरफेस बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे ये वाला जो सरफेस है और जो पीछे वाला सरफेस है, उन दोनों का एरिया बिल्कुल सेम होगा, तो हमने यहां लिख दिया दो, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा है। ऐसे ही नीचे और ऊपर का हमेशा सेम होगा, ठीक, इधर वाला और इधर वाला दोनों का एरिया सेम होगा, इसके आगे भी टू लिख दिया, ठीक। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो सबको ऐड कर दिया, और अगर हमें केवल कर्व सरफेस चाहिए तो फिर वही बात, ऊपर और नीचे का ऐड नहीं होगा। मैंने अभी बताया बेस एरिया ये होता है, नीचे का अगर एरिया इतना है तो ऊपर का एरिया भी इतना होगा, यानी ये वाला, यानी जब कर्व सरफेस एरिया लोगे तो आप इसको ऐड नहीं करोगे,
कर्व सरफेस एरिया में ये ऐड नहीं होगा, केवल ये दोनों ऐड होंगे। तो आप फॉर्मूला चाहे ये लिखो और चाहे इसी को खोल के आप ये लिखो, ठीक है, दोनों सेम है। इन दोनों को ऐड करेंगे केवल कब, जब हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा, और जब टोटल सरफेस एरिया है तो ऊपर और नीचे वाला भी ऐड होगा। ये आप देखना जनरली आपको कब यहां यूज आता है ये वाला कर्व सरफेस एरिया, या तो क्वेश्चन में सीधे सीधे गिवन हो कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, या इसको हम एक चीज और कहते हैं, दैट इज एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ठीक है, दिमाग में रखना। एरिया ऑफ फोर वॉल्स आएगा यानी चारों तरफ की दीवारों का एरिया, वो ये हो जाएगा। और अगर मैं एरिया ऑफ बेस कहूंगी तो बेस में हमेशा एल इंटू बी आएगा, हमेशा एल इंटू बी। अब रह गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग होती है, तो एल इंटू बी इंटू एच दैट इज द वॉल्यूम। अब आ जाते हैं सिलेंडर पर। सिलेंडर का जो शेप होता है, एक ऊपर सर्किल होता है ऐसे पाइप बना होगा, और एक नीचे सर्किल होगा जैसे आपका ये मार्कर है, ठीक है। जब हम कॉपी पे बनाते, वो कागज पे, इस पे बोर्ड पे बनाएंगे या कागज पे बनाते हैं, तो सर्कल को हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, नीचे वाला सर्कल भी ऐसे बनाया जाएगा। ये रेडियस हुआ, ऊपर का और नीचे का दोनों का रेडियस सेम होता है, दिस वन इज द हाइट। अगर मैं आपको मार्कर में दिखाऊं तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन गोल वाला है, ठीक है, ये सर्कल, यस ये सर्कल है, ठीक, ये यहां से सेंटर से इसको ज्वाइन करोगे ये रेडियस हो जाएगा, दिस होल वन इज द हाइट, ये पूरी हाइट कहलाएगी, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया का मतलब है केवल ये वाला पोर्शन, ऊपर और नीचे का ऐड नहीं कर रहे। ऊपर भी एक सर्कल है, देखो ऊपर भी एक सर्कल बना है, ठीक, नीचे वाले में भी एक सर्कल बना है, ठीक, ये वाला ये भी पूरा एक सर्कल है, और इधर वाले में भी पूरा का पूरा एक सर्कल आ रहा है। ये नीचे का और ऊपर का ऐड नहीं करना किसमें, कर्व सरफेस एरिया में। कर्व सरफेस एरिया में केवल ये वाला पोर्शन लेना है, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन आएगा, ऊपर और नीचे का ऐड नहीं होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRH, ठीक। R मींस यहां पर रेडियस है, H मींस हाइट है सिलेंडर की। जब आप टोटल सरफेस एरिया लोगे तो ये जो कर्व सरफेस एरिया, ये तो मैंने एज इट इज लिखा, साथ में मैंने ऊपर के सर्किल का और नीचे के सर्किल का और ऐड कर दिया। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें मैंने 2 लगाया, क्यों लगाया, एक ऊपर का ऐड किया और एक नीचे का ऐड किया। बुक में आपको ये वाला फॉर्मूला ऐसे भी दिया होगा, ठीक है। क्या किया इसमें से, 2πR, ये तीनों कॉमन ले लिए, यहां से खाली H बचा और यहां से एक R बचा, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ये भी लिख के आओगे तो कोई गलत नहीं करेगा, ठीक। एक चीज और ध्यान दो यहीं पर, अगर आपको सिलेंडर बोला है वन साइड ओपन, वन साइड ओपन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज आपके पास कोई पेन स्टैंड है, ठीक है, तो पेन स्टैंड है तो नीचे तो सर्किल होगा ना, लेकिन ऊपर से कैसा होगा, खोखला होगा, ठीक है ना, ऊपर से पेन रखने की जगह होगी। तो उस समय जब आप टोटल सरफेस एरिया लोगे तो आप वहां क्या करोगे, 2πRH कर्व सरफेस पूरा लोगे, लेकिन बेस में केवल एक सर्किल का एरिया जोड़ोगे, दोनों का एरिया नहीं जोड़ोगे, क्लियर, ठीक। आगे इसी का, सिलेंडर का वॉल्यूम अगर लेना होता है तो उसका आपको एरिया याद रखना, वो सॉरी वॉल्यूम याद रखना है पाई आर स्क्वायर एच, बस। बच्चों वॉल्यूम का मतलब होता है अंदर का पोर्शन भी, ठीक है। जैसे सपोज करो ये क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड में ये जो अंदर वाली जगह है ये भी सारी वॉल्यूम में आती है, ठीक। अगर एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 184, एन एक्वेरियम इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, द बेस, द साइड फेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद अ कलर्ड पेपर। एक एक्वेरियम दिया है हमें, और इस एक्वेरियम में चार जगह पर कलर्ड पेपर लगाया है, एक बेस पे लगाया है, दो साइड में लगाया है और एक बैक पे लगाया है। अगर ये हमारा एक्वेरियम है तो हमने यहां और यहां, यानी ये जो दोनों साइड की जगह है, इन दोनों जगहों पर लगाया है कागज, पीछे यानी बैक वाली जगह पर, इस वाली जगह पर लगाया है, और बेस पे कागज लगाया, यानी हमने किस जगह पर पेपर नहीं लगाया, एक ये फ्रंट साइड पर और एक ये टॉप साइड पर, इन दो जगहों पर पेपर नहीं लगाया, ठीक। क्वेश्चन में आगे आपसे पूछा गया है
फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड, कितने पेपर की जरूरत है इसमें। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे फिगर का टीएसए कैलकुलेट करेंगे और उसमें से हम जिस जिस जगह पर हमने पेपर नहीं लगाया है उस जगह का एरिया हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आगे वाले पोर्शन पे नहीं लगाया हमने और जो ऊपर से है उस जगह पर नहीं लगाया। आगे वाली जगह का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला रेक्टेंगल है, ये लेंथ दी है और ये ब्रेथ हो गई और किसके बराबर है, हाइट के बराबर है। हाइट हमें 40 दी है, दैट मीन्स 80 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऊपर वाला है टॉप का एरिया, टॉप का एरिया किसके बराबर होगा, नीचे बेस के एरिया के बराबर होगा। बेस का एरिया एल इंटू बी होता है, एल इज 80 गिवन और बी इज 30, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे एक्वेरियम का एरिया निकाला यानी टीएसए निकाला, टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला लगाया 2lb प्लस bh प्लस hl। कैलकुलेट कर लेंगे इसको और इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा कि कितना पेपर हमें रिक्वायर्ड है। पेज नंबर 185, एग्जांपल नंबर 5। द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडियन रूम आर 12 मीटर बाय 8 मीटर बाय 4 मीटर, ठीक है। आगे दिया है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल फोर वॉल्स ऑफ अ रूम इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज ₹5 पर मीटर स्क्वायर। पहले हम केवल इतना पार्ट करते हैं, उन्होंने कहा चारों दीवार पर आपको व्हाइट वॉश करना है, तो एरिया टू बी व्हाइट वॉश, ठीक है, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ फोर वॉल्स के इक्वल होगा। इसमें हम नीचे वाला और ऊपर वाला एरिया ऐड नहीं करेंगे, बाकी सारे एरिया ऐड कर देंगे। सबकी वैल्यू हमें गिवन है, एच की वैल्यू हमें 4 दी है, एल हमारा 12 है, बी हमारा 8 है। सबकी वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, 160 आ गया। अब हमें इसी की कॉस्ट निकालनी है। एक मीटर स्क्वायर पर व्हाइट वॉश करने में ₹5 का खर्चा आता है, ये क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है हमें। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, हमें इतने एरिया पर करना है, ठीक है, इसे ऐसे समझ सकते हो 1 मीटर स्क्वायर पर ₹5 का खर्चा हो रहा है, ठीक है। 160 मीटर स्क्वायर पर कितने का खर्चा होगा, 5 into 160, यही चीज यहां पर कर रखी है, ठीक। आगे सेकेंड पार्ट इसी में आगे दिया हुआ है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश्ड। अगर हम रूम की सीलिंग पर भी व्हाइट वॉश करें तो कितना खर्चा आएगा। पहले हमने सीलिंग का एरिया निकाला, दैट इज एल इन टू बी, ये 96 मीटर स्क्वायर आया और इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इस पर भी कॉस्ट इतनी ही पड़ रही है। 1 मीटर स्क्वायर पर ₹5 लग रहे हैं, तो 96 मीटर स्क्वायर पर कितने लगेंगे, ₹5 into 96, ये आएगा हमारा 480, ठीक है। ये 480 को और इस 800 को दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा कि पूरा चारों वॉल्स में और सीलिंग पर व्हाइट वॉश करने में कितना खर्चा लगेगा। पेज नंबर 185, एग्जांपल नंबर 6। इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स, द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। रेडियस इज 28 एंड हाइट इज 4 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्स ऑफ इस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर। आपको एक बिल्डिंग दी है, उस एक बिल्डिंग में 24 पिलर्स दिए हुए, ठीक है। हर एक पिलर जो होता है वो हमारा किस शेप का होता है, सिलेंडर के फॉर्म का होता है, ठीक। इसका रेडियस हमें 28 सेंटीमीटर दिया है, हमें जो रेट दे रखा है वो पर मीटर स्क्वायर का दिया है, इसलिए हमने रेडियस को चेंज कर लिया किसमें, मीटर में। अब हमने सीएसए निकाला एक पिलर का, उसका फॉर्मूला रखा, पाई की वैल्यू ये रखी, आर की वैल्यू ये निकाली हमने और एच हमें ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, एक पिलर का इतना आया है, 24 पिलर का निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 24 कर देंगे, ये आ गया। अब हमें कॉस्ट निकालनी है तो सिंपल एरिया इनटू रेट करेंगे, एरिया की वैल्यू हमने ये निकाली और रेट हमें क्वेश्चन में 8 गिवन किया है तो ये आ जाएगा ₹1351.68। यस, एग्जांपल नंबर 7। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968। फॉर्मूला पुट किया टीएसए का, ये होता है फॉर्मूला, इनमें से आप 2πr कॉमन लेके h प्लस r ये भी लिख सकते हो। टीएसए की वैल्यू ये गिवन की है, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की वैल्यू 7 दी है, h की जगह h और r की जगह 7, ये 7 से 7 कट गया।
टू और 22 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो खाली 22 बचेगा, इक्वल्स टू एच प्लस 7 एज इट इज। यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा है, प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 15 मीटर। एक्सरसाइज 11.3, क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर टू क्यूबिकल बॉक्सेस एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटीरियल टू मेक। मटीरियल जब भी आपको बोला है मटीरियल बनाना है, दैट मीन्स अंदर से खाली है वो बॉक्सेस, अंदर से खाली है तो हमें TSA की नीड पड़ेगी। पहला वाला बॉक्स हमारा क्यूबॉइडल शेप का है, दूसरा वाला बॉक्स हमारा क्यूब शेप का है, तो यहां मैंने क्यूबॉइडल बॉक्स का TSA लिखा, फॉर्मूला लिखा, L, B और H क्वेश्चन में हमें गिवन किया हुआ है, वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। L हमें 60 दिया है, B 40 दिया है और H हमें 50 दिया है, ठीक है, इसको कैलकुलेट किया। सिमिलरली दूसरा वाला जो बॉक्स दिया है उसमें तीनों साइड बराबर है, क्यूबिकल बॉक्स है, उसका TSA ये होगा फॉर्मूला, साइड की जगह पे 50 रखेंगे, पावर 2 है तो इसलिए दो बार लिखा, इसको सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये इतना है और ये इतना है, इनमें से कम कौन है, ये वाला, ठीक है, तो लिखेंगे क्यूबॉइडल बॉक्स रिक्वायर लेस मटेरियल टू मेक। क्वेश्चन नंबर 2, अ सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर बाय 48 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ टार्पोलिन क्लॉथ, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। ठीक है, पहले ये देखो, ये एक सूटकेस दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि ऐसे अगर हमने 100 सूटकेसेस पर कवर चढ़ाना है तो कितना लंबा कपड़ा लगेगा। चौड़ाई हमें कपड़े की दे दी है, दैट इज 96 सेंटीमीटर, या हमें इसकी लंबाई बतानी है, कितना लंबा कपड़ा हमें चाहिएगा। पहले क्या करेंगे, पहले हम एक सूटकेस पे कवर चढ़ाने में कितना कपड़ा लगेगा वो कैलकुलेट किया, वो बराबर होगा TSA के, ये निकाल लिया हमने। फिर ऐसे ही 100 सूटकेस पे कवर चढ़ाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट में जितना कपड़ा ये है वो उतने का ही कपड़ा ये भी होगा, दोनों का एरिया सेम होगा 100 ऐसे सूटकेसेस पे, क्योंकि इसी कपड़े से हमें इस पर कवर चढ़ाना है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। इस कपड़े का एरिया आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ करके, और ये वाला एरिया हमारा ये कैलकुलेट हुआ है, दोनों को इक्वल रख देंगे, इक्वल रखेंगे और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो आएगी 144 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब दिया है, उसकी साइड हमें बतानी है और सरफेस एरिया इसका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। सरफेस एरिया या TSA एक ही बात होती है, TSA का फॉर्मूला लगाया, यहां से साइड स्क्वायर निकाला, इस 6 को हम नीचे ले गए, ये 100 आ गया, साइड निकालनी है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइड हमारी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, रुखसार प्रिंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर्स 1:2:1.5, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। उसको बॉटम पर केवल पेंट नहीं करना, बाकी सब जगह पेंट करना है, तो हमने क्या किया, TSA हमारा ये होता है, इसमें से माइनस कर दिया LB क्यों किया, क्योंकि ये बॉटम का एरिया होता है, ठीक है। तो हम TSA लिखने के बजाय लिखेंगे एरिया टू बी पेंटेड, जितना एरिया उसको पेंट करना है, एरिया टू बी पेंटेड, ठीक। यहां पर 2 LB है और ये 1 LB है तो एक ही LB रह जाएगा, 2 BH है, 2 HL है, सबकी वैल्यू हमने पुट करी और कैलकुलेट किया, इट इज 11 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडियन हॉल विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर। डेनियल कहाँ कहाँ पर कर रहा है, चारों दीवारों पे कर रहा है और ऊपर टॉप पे कर रहा है, ये जो बेस है वहां पर नहीं कर रहा। बेस का एरिया किसके बराबर होता है, एल इंटू बी के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर उसको बाकी जगह पर करना है, इस जगह पर नहीं करना है, तो उसको कितनी जगह पर पेंट करना है, इस जगह पर, LB प्लस 2BH प्लस 2HL। जो उसके पास कैन है, उस कैन से 100 मीटर स्क्वायर पर पेंट हो जाता है। हमें बताना है नंबर ऑफ कैन्स कितने होंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया टू बी पेंटेड, जितना एरिया उसे पेंट करना है वो, डिवाइडेड बाय एरिया पेंटेड बाय 1 कैन, एक एरिया, एक कैन से कितना एरिया पेंट होता है। ये L, B, H, ये वैल्यू रखी, ये L की वैल्यू, ये B की और ये H की वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 6,
डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट. विच बॉक्स हैज लार्जर लिटिल सर्फेस एरिया. दो फिगर दी गई है, पूछा गया है इन दोनों फिगर में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है. सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के हाइट 7 है, ये भी हाइट 7, ये भी हाइट 7. डिफरेंस ये है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा क्यूब है. ठीक है, एलएसए निकाला हमें, हमने दोनों का. इसका एलएसए का फॉर्मूला होता है 2πRH, पाई की जगह 22/7 रखा, आर की जगह पर मैंने 7/2 रखा. देखो ये पूरा, दिस होल वन इज गिवन 7, ये पूरा 7 दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा. ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर दिया, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 154 आ गया. फिर हमने एलएसए ऑफ क्यूब निकाला, 4 साइड स्क्वायर, साइड हमें 7 दे रखी है, तो 4 इंटू 7 इंटू 7 इट इज 196. तो दैट्स व्हाई एलएसए ऑफ क्यूब इज लार्ज है. क्वेश्चन नंबर 7. अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल. हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड. आपको कहा एक सिलेंडर दिया है, इसकी हाइट 3 दी है, रेडियस 7 दिया है. इससे हमें क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, हमें बताना है इसको बनाने में कितनी एरिया की मेटल शीट रिक्वायर्ड होगी. तो जितना इसका टीएसए होगा उतनी एरिया की हमें मेटल शीट रिक्वायर होगी. सिंपल टीएसए का फॉर्मूला लगाया, सबकी वैल्यू रखी, आर की वैल्यू 7 दी है, एच की वैल्यू 3 दी है, सिंपली सॉल्व कर लिया, आंसर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 8. The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 cm square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 cm. एक hollow cylinder दिया है, इसको इसकी height के according ऐसे काटा गया, ऐसे काटा और ऐसे करके फैला दिया गया, तो पूरी sheet बन गई आपकी. इस sheet की width हमें 33 cm दिया है, इसकी length हमें बतानी है और इसका curved surface हमें area given किया हुआ है, that is 4224 cm square. जब आपने इसी सिलेंडर को काट के ऐसे फैलाया है तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया बराबर होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया दोनों बराबर होंगे. ठीक है, तो हमने लिखा सीएसए ऑफ सिलेंडर. इसका हम, क्योंकि अब ये 2D बन गया है तो हम सरफेस एरिया कहने के बजाय खाली एरिया भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो 33 इंटू L हो गया. ये हमें क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, इसकी वैल्यू ये है. 2πRS रखने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप 4224 भी रख सकते हैं. यहां से हमें L की वैल्यू निकालनी है, 33 एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया. इसको काटेंगे तो हमारा L की वैल्यू 128 सेंटीमीटर आ जाएगी. अब हमें इस चीज का पेरीमीटर बताना था, तो पेरीमीटर बराबर होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी. L और बी की वैल्यू रखी, दोनों को एड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 322 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 9. A road roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 cm and length is 1 meter. एक road roller है, road roller इस shape का होता है. इस तरीके से अगर हम roller को चलाते हैं, ठीक है, तो ये that means ये surface area cover हो रहा है. Surface area से ही वो पूरी road को level में लेके आएगा. ठीक, तो कह रहे हैं अगर एक road roller है उसको एक सड़क को लेवल में लाने में 750 रिवॉल्यूशन लिखते हैं, 750 रिवॉल्यूशन उसको लगते हैं. ठीक है, तो हमें उस पूरी सड़क का एरिया बताना है. पहले हमने देखा एक रिवॉल्यूशन में उसने कितना एरिया कवर किया, 2πRH के बाद बराबर. अभी बताया कि जब ये ऐसे मूव करेगा तो सरफेस एरिया कवर करेगा, तो 2πRH हो गया. 750 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा, मल्टीप्लाइड बाय 750 कर दिया, सबकी वैल्यू यहां पुट कर दी. पूरा डायमीटर हमें 84 दिया था तो रेडियस 42 आ गया, ये हाइट हमें 1 मीटर दी थी तो ये 100 सेंटीमीटर हो गई. ठीक है, इस पूरे को सॉल्व किया तो ये आ गया, दैट मींस दिस वन इज द एरिया ऑफ द रोल. क्वेश्चन नंबर 10. अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर. सिलेंडर है, उसका रेडियस बेस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 14, तो रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया, हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर. कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सर्फेस ऑफ द कंटेनर. कंपनी को इसके ऊपर लेबल लगाना है, लेबल मीन जैसे ये मार्कर है, इसके ऊपर ये लेबल लगा हुआ है. ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड मार्कर और समथिंग दिस वन, ये इसको लेबल कह रहे हैं. इन्होंने कहा बेस से 2 सेंटीमीटर ऊपर है और ऊपर टॉप से भी 2 सेंटीमीटर नीचे आपको लेबल लगाना है. तो यानी जो ये लेबल है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2 यहां से माइनस किया, 2 यहां से माइनस किया, दैट मीन 16 सेंटीमीटर.
अब हमें लेबल का केवल क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि हमने जो लेबल लगा रखा है वो किस जगह, कर्व सरफेस पे लगा रखा है। 2πRH फॉर्मूला रखा, R की वैल्यू 7 है, H की वैल्यू 16 आई है, सॉल्व करेंगे दैट इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर।